अभी सुबह से हुए 6:10, अभी हम निकल चुके हैं और दमन रोड पे एक सामान हमने ले लिया है। तो अभी जस्ट हम घर से बाहर निकले, अभी पूरा अंधेरा ही है, देखो तो थोड़ा सेल्फ निकलने का प्लान था, लेकिन ये मोटर में की वजह से नहीं निकल। तो अभी निकलेंगे, थोड़ा चाय में पिएंगे वहाँ, फिर सीधा दमन के लिए निकलेंगे। चलिए आप ब्लॉग में रह गए, आपको मैं पूरी रोड ट्रिप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये हमारी बाइक, मैंने मस्त सर्विस इसको करा रखी है ताकि पूरी रोड पे ये कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है पहला स्टॉप, अभी हुआ है 7:00 में, कुछ 10 मिनट बाकी है। 50 मिनट हमने ट्रैवल किया और कुछ कितने किलोमीटर हुए हम बर्फ से थोड़ा और पीछे है, तो अभी चाय पी के जाएगा। हमने स्टॉप लिया है दर्शन होटल का, देखो ये भी होटल। हमने ऑर्डर किया चाय, फिर फाफड़ा और एक ही कॉफी तो खाएंगे, फिर आगे को कौन सा स्टॉप लेंगे, फिर भरूच भरूच देखते, अगर कुछ ऐसा लगा रुकने के तो भरू लेंगे, वरना फिर कुछ क्या। देखिए यहाँ पे फुल नाश्ता आ गया, चाय पोहे और फाफड़ा, और ये भूखड़ ने पहले से स्टार्ट कर दिया है। अभी पहले हम एक चाय की चुस्की मारेंगे, फिर ये सब ट्राई करेंगे। ये टोल नाका, ये रहा हमारी बाइक। तो अभी हमने जब एक स्टॉप किया है थोड़ा बाइक को भी आराम किया और थोड़ा हम लोग क्या बस 10 मिनट हम निकलने वाला, अभी टाइम हुआ है 8:05। तो उसके बाद हम करते हैं वहाँ पर, और बहुत डेढ़ घंटे जैसा लगा, तो बहुत सुंदर समझ रहे हैं 3:45 तक पहुँच जाए। तो फाइनली हम दमन पहुँच चुके हैं, देखो ये रहा बोर्ड, और हमारा जो टारगेट था वो 11 बजे का था, तो हम पहुंच गए 11 बजे। लेकिन अभी अंदर जाएगा होटल वोटल लेके फ्रेश होके, फिर अच्छे से हम रेडी होके फिर जा रहे हैं होटल। रूम बैठ के और थोड़ी देर पहले ही है चेकिंग कर दिया है, और रिया भी फ्रेश होने गई है, तो तब तक जब आएगी तब भी मैं फ्रेश हुआ और खाना बना खा चुके हैं मस्त एकदम फ्रेश होके रेडी होके, फिर खाना खाए थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद देखते हैं बीच पे अभी जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं। बट अभी थोड़ा आराम करते हैं ताकि थोड़ा शाम के लिए एनर्जी आ जाए, फिर दिखाता हूँ मैं कि बीच का सीन कहता है शाम। अभी हुए 4:50, करीबन 5 बज गए हैं और अभी हम रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सो गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं चंपर बीच, तो रेडी हो चुके हैं रिया की रेडी, तो जाएगा जंपर बीच पे, फिर आई थिंक रात को ही आएगा, तो मैं वहाँ पे जाकर आपको सब सीन दिखाता हूँ। और बाइक की जो जर्नी है ना वो मैं आपको रात को बताऊँगा कैसी रही और कैसे आप आ सकते हो, कहाँ पे रुकना है, कैसे जाना है सब। ओके तो चले सीधे मिलते हैं बीच पे। जंपर बीच आ चुके हैं, देखो मैं आपको जो सीन है ना शाम का, ये यहाँ पे दूर पब्लिक है, पट्टी यहाँ पे तो सब कोरा ही कोरा। तो यही फायदा है दिवाली से पहले आने का, क्योंकि हमको पता था कि पब्लिक अभी नहीं होगी, वो सब संडे के बाद मतलब दिवाली के बाद। देखिए यहाँ पे अभी पानी तो थोड़ा दूर है, हाँ ऐसा दिखे तो बहुत दूर है। तो फिर अभी हम थोड़े यहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे, फिर हम जाएंगे बीच के वहाँ पे, फिर वहाँ का। अभी ये जो मेन रोड है ना, ये जो रोड है दमन का, तो
तो ये रोड पे ऐसे बाइक चलाने के जो मजा है ना वो बहुत मस्त है। और अपनी बाइक यहाँ पे देखो ये रही, तो यहाँ पे हमने पार्क कर दी है। तो यहाँ पे जो बाइक चलाने की मजा है ना वो उसकी वाइब ही अलग है। अगर वो आपको फील करना है तो आपको यहाँ पे बाइक लेकर ऑन रोड ट्रिप करनी पड़ेगी। अगर मैं वडोदरा से 4 घंटे में 4 से 4.5 घंटे के अंदर, और होटल के अंदर हम 5 घंटे टोटल 5 घंटे के अंदर होटल के रूम में थे। तो यह अभी ज़्यादातर यहाँ पे मैं व्लॉग सब आपको दिखाऊंगा क्या क्या सीन है, और हम रात तक यहीं रुकने वाले, यहीं पे खाना पीना करके फिर जाएंगे रूम। और हमारी जो रूम है वो नानी दमन में, और अभी मोटी दमन पे ऑन जंपर बीच। हमारे फोटोज ख़त्म हो गए, वैसे भी देखो शाम हो गई है, तो हमने पहले फोटोज खिंचा लिए। अभी हम मस्त इधर बैठे हैं, और हमने यहाँ पे लिया है बेल थम्स अप। देखो बहुत शांति है यहाँ पे, तो एकदम ज़्यादा शांति एकदम। बाकी अगर संडे हुआ कल तो पता नहीं कि कल पब्लिक कितनी होगी। मेरे को लगता है कल वापस इधर आने वाले, देखते हैं कल आएंगे। अगर अभी तो रात तक यहीं पे है, अभी थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं फिर खाने के लिए जाएंगे। तब तक यहीं पे ये वाइब एंजॉय करें एकदम चील वाली। टाइम हुआ है 6:36, 6:30, और अभी नाइट की लाइट है वो चालू हो गई है। और ये बीच अभी सब खाली कर रहे हैं, तो अभी अंधेरा है तो कोई यहाँ पे रुकने के लिए परमिशन नहीं है। तो अभी हम जा रहे देवका बीच की, वहाँ पे लाइटिंग होती है। थोड़ा घूमने के बाद अभी जो लाइट वाला गार्डन है वो ढूंढ रहे थे, और हमको ये पता चला ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, तो ये फोर्ट है उसी के अंदर ये सब लाइटिंग है। तो उसकी सामने के साइड हम अभी देखो ये वाला भी इधर, तो अभी क्या करेंगे अभी खाना खाएंगे। मस्त खाना खाए, थोड़ा घूमेंगे मस्त, क्योंकि इधर घूमने का जो रास्ता है ना बहुत मस्त है। तो अगर बाइक लेके आए तो इतना तो थोड़ा घूम ही सकते आराम से। यही एक फायदा है इधर, क्योंकि अगर दूर दूर जाना है ना तो ट्रैवलिंग के लिए अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी तो खाने में टाइम है 7:30 हुए, बट ढूंढते ढूंढते क्या खाना है वो सब देखेंगे, फिर बाद में रूम की ओर जाएंगे। और कल फिर अलग घूमेंगे पूरा, क्योंकि वापस कल जंपर बीच भी जाना है। फिर आपको मैं वो जो चाइना का मार्केट है जहाँ चीज़ें मिलती है चाइना मार्केट में, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो कल विजिट करेंगे संडे को, कल दिवाली है। अगर बीच में आया तो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी हम रूम पे आ चुके हैं, जस्ट आए हैं, और खाने के लिए बहुत टाइम था, सोचा कि रूम पे जाके थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके फिर आराम से निकलेंगे खाने के लिए। और यहाँ से ये जो रूम है वहाँ से देवका बीच बहुत नज़दीक है, तो हम चलने भी जाने वाले हैं आफ्टर डिनर आराम से। मैं आपको मैं पूरा ये जो रूम है होटल है उसका मैं लोकेशन और कैसा है रूम भी दिखाऊंगा। स्टे करना है बीच के नज़दीक जहाँ पे वॉकिंग करके जा, तो आपके लिए जगह बहुत अच्छी है। और ये मेरा तीसरा स्टे है यहाँ पे, जब भी मैं बना तो यहाँ पे ही रहता हूँ। तो ये जो हम आए हैं वडोदरा से दमन, वो ऑन बाइक हमारी पहली ऐसी जर्नी थी सबसे लंबी बाइक पे। और एक चीज़, दमन में हेलमेट कंपलसरी है, तो अगर आप आ रहे हो तो हेलमेट अपने साथ लेके आना पड़ेगा। और रात को में भी पुलिस वगैरह नहीं होती है, तो आप
आराम से जा सकते हो, बट दिन के टाइम पे आपको हेलमेट कंपलसरी है, वरना फिर आपको चार्ज भरना पड़ेगा। अभी हम खाना खाने जाएंगे थोड़ा फ्रेश होने के बाद, तो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। कल आपको पूरा और दमन हम जो भी घूमेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ही जाने, और ऐसी कोई जगह ऐसी कोई बात आपको पसंद हो दमन के बारे में या कुछ नहीं हो जो मुझे नहीं पता तो आप कॉमेंट कर दो। आपको यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को। तो चिल करिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।